हेलो एवरीवन, मैं गायत्री हाउ टू मेक मॉप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज आपसे शेयर कर रही हूँ ये केक रोल की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी फटाफट बन के तैयार हो जाता है बिना अंडे के और बिना ओवन के बनाया। तो किस तरह से बनाया है रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ने लिया है बाउल, बाउल में रखा है चलनी, चलनी में डालेंगे हम मैदा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ बाउल मैदा, यानी कि हाफ कप। जिस नाप से आप मैदा ये ले रहे हैं सामान, उसी नाप से आपको सारे इंग्रेडिएंट लेना है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून से भी कम यानी कि 2 इंच के आसपास बेकिंग सोडा लिया है। तीनों को छान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को छान लिया है। छानने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम शुगर पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ कप से थोड़ा सा कम शुगर पाउडर लिया है। अगर आपके यहाँ मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप हाफ कप ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। लेकिन मैं इसमें और भी कुछ यूज़ करूँगी, इसके कारण ये थोड़ा मीठा हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ कप से कम लिया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 कप घी। तो ये जो मेज़रमेंट है ये बिल्कुल सही लेंगे ना, तो आपका अगर आप नॉर्मल केक भी बना रहे हो ना बाउल में या तपेली में किसी में भी, तो भी आपका केक बहुत स्पंजी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, और आप चाहो तो बटर भी ले सकते हो या फिर ऑयल भी ले सकते हो। तो इन सभी को मैं दूध के साथ मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं हल्का कुनकुना दूध ले रही हूँ, ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है, हल्का कुनकुना दूध लेना है। और उसी के साथ इसका बैटर तैयार करना है। ज़रूरत के हिसाब से दूध को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन दूध आपको कुनकुना ही लेना है, बिल्कुल हल्का कुनकुना दूध लेना है। कितना हमको इसको थिक रखना है, कितना पतला रखना है, ये अभी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहने चाहिए। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही कम बैटर है तो स्पून से अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी एसेंस। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेनिला एसेंस, आप चाहो तो पाइनएप्पल एसेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। हर चीज़ को आपको बिल्कुल परफेक्ट लेना है। एसेंस यहाँ पर 1/4 टीस्पून के आसपास लिया, यानी कि 5-6 ड्रॉप लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके हम करेंगे 2 पार्ट। तो यहाँ पर मैंने दोनों के बराबर हिस्से कर लिए हैं, और एक में ऐड करूँगी मैं यहाँ पर कोको पाउडर। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप बॉर्नविटा भी ले सकते हैं या फिर कॉफ़ी पाउडर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको डाला है 1/2 टीस्पून, और इसी में मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा शुगर पाउडर, यानी कि 2 टीस्पून या 1 टीस्पून के आसपास शुगर पाउडर। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी मिल्क, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, हल्का सा पतला करने के लिए इसमें मैं मिल्क भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 या 2 टीस्पून के आसपास मिल्क ऐड करा है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये दोनों बैटर परफेक्ट रूप से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम लेंगे पैन, जिसमें मैंने लगाया है बटर पेपर, और इसे मैं ऊपर नीचे दोनों साइड से घी से ग्रीस कर लेती हूँ। घी या बटर जो भी हो उससे आप इसको ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद इसमें हम 1 बाय 1 एक एक करके बैटर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, यानी कि 1 या 2 टीस्पून के आसपास बैटर डालेंगे। जितना आप कोको वाला बैटर डाल रहे हैं उतना ही आपको व्हाइट वाला बैटर डालना है। और यहाँ पर ये फाइनली पूरा बैटर मैंने डाल दिया है 1 बाय 1 करके, और ये डिज़ाइन को थोड़ा मैं बीच में लेके आ रही हूँ, सेंटर में ये थोड़ा साइड में आ गया है। तो बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको इसको इस तरह से करना है। उसके बाद इसको हम बेक होने के लिए रख देते हैं गैस के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से ढक के इसको बेक होने देते हैं। कम से कम 10 से 15 मिनट में अच्छे से बेक हो जाएगा, बीच में चेक कर लेंगे। ये देखिए 15 मिनट लगा है इसको बेक होने में, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको ध्यान से बेक करना है। काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है और काफ़ी स्पंजी बना है। तो इसको मैं दिखा देती हूँ आपको पास से। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है, तो इसमें मैं 1 या 2 टीस्पून के आसपास शुगर पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल करूँगी। चारों तरफ इस तरह से इसको शुगर को फैला दीजिए,
उसके बाद इसके ऊपर मैं बटर पेपर रखूंगी और इसे निकाल लूंगी दूसरे वाले बटर पेपर पे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है ये, दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से बेक हुआ है, देखिए इस तरह से। और बटर पेपर को निकाल लेते हैं, जो ये वाला ऊपर वाला बटर पेपर, इसको निकाल के और इसको मैं आपको दिखाती हूँ निकाल कर। ये देखिए इस तरह से निकाला है, इसको बिल्कुल ध्यान से निकालना पड़ेगा आपको। और ये निकलने के बाद इस तरह से दिखता है। उसके बाद इस पर हम करेंगे आइसिंग। तो आइसिंग करने से पहले इसको मैं रोल करके और रख देती हूँ फ्रिज में। तो रोल किस तरह से करना है देख लीजिए आप। यहाँ पर ये बटर पेपर थोड़ा सा गीला हो गया है, तो मैं बटर पेपर चेंज कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से बटर पेपर को चेंज करके, और जो फ्रेश वाला बटर पेपर है उसके ऊपर इसको आप इस तरह से रोल कर दीजिए। और इसको हम रख दें फ्रिज में कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए। रोल को रख दिया है फ्रिज के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैं क्रीम तैयार कर लेती हूँ। तो ये है विप क्रीम, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/3 कप विप क्रीम। और ये है रिच की, और इसमें मीठी वैसी होती है, तो इसमें अगर आप चाहो तो मीठा अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं हाई स्पीड पे पहले बीट कर लेती हूँ अच्छे से, कम से कम 2-3 मिनट में काफ़ी अच्छे से बीट हो जाती है ये। और अगर आपके पास इस तरह से का इलेक्ट्रिक हैंड ग्राइंडर नहीं है तो आप मिक्सर में भी बीट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद इसमें शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। गर्मी है तो गर्मी के मौसम में आप इस तरह से आइस क्यूब में बाउल को रख के और फिर बीट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बीट हो चुकी है, तो बस इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। और यहाँ पर ये रोल निकाल लिया है, बाहर रखेंगे तो आइसिंग पिघलती है, इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। और ये देखिए रोल तैयार है, इसको खोल के ओपन करके और इसमें कर देते हैं आइसिंग। तो आइसिंग को भी फ्रिज में से निकाल लेती हूँ मैं, और चारों तरफ आइसिंग लगा के इसको हम फिर से रोल कर देंगे। इसी तरह की आइसिंग आप केक में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम वापस से फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड करके और इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको फिर से हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ये अच्छे से फोल्ड रहे। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर देती हूँ मैं, और इसको फिर से रख देते हैं हम फ्रिज में। यहाँ पर इसको मैंने 10 मिनट बाद निकाल लिया है, तो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इसके हम पीसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके मीडियम साइज़ के मोटाई में पीसेस कर लेती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिख रहा है, बहुत ही यमी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप इस तरह से बना के, और लॉकडाउन में अभी बाहर से तो कुछ ला नहीं पा रहे हैं, तो घर में ही बना के खिलाइए। और काफ़ी ईजीली है, फटाफट बन के तैयार होता, ना तो ओवन की ज़रूरत है और ना ही इसमें अंडे की ज़रूरत पड़ी है हमें। ये देखिए इस तरह से बन गया है ये। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट।